तीसरी प्रखंड के गुमगी पंचायत के लचगन जंगल से वनरक्षी अशोक यादव व प्रियेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर सकुआ पेड़ का कटा हुआ लकड़ी जब्त कर तीसरी बिट कार्यालय में रखा गया। वनरक्षी प्रियेश विश्वकर्मा ने कहा, लगातार गुमगी पंचायत से गुप्त सूचना मिल रही थी कि जंगल से कोई महिला हरा भरा सकुआ व अन्य प्रजाति का पेड़ काटकर जलावन हेतु घर ले जाती है, जिससे जंगल कट रहा था। सूचना के आधार पर वनरक्षी अशोक यादव ग्रामीणों के सहयोग से सुबह 5 बजे जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई लकड़ी का बोझा जब्त किया गया। वनरक्षी अशोक यादव ने कहा, हम लोगों को देखते ही कई महिला लकड़ी का बोझा छोड़कर भाग निकली, टांगी भी कुछ जब्त हुई है। जंगल से लकड़ी काटने वाली महिलाओं की पहचान करने के बाद सभी पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गुमगी पंचायत के अंतर्गत लक्षकन गांव के कुछ महिलाओं के द्वारा बराबर इस प्रकार का जो जंगल काट करके बोझा के रूप में अपने घर जलावन के लिए यूज करने के लिए ले जाया जा रहा था, उसी के तहत आज कार्रवाई करते हुए महिलाओं से जो है टांगी जब्त किया गया है कुछ, और लगभग 50-60 बोझा लकड़ी जब्त किया गया है। जांच के बाद जो है महिला का पहचान करके उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कितने महिलाएं थी जो जंगल से लकड़ी काटा जा रहा था? महिला तो बहुत थी, लेकिन जब उन लोगों को सूचना हो गया कि वन विभाग का टीम यहाँ पर आ गया है, तो बहुत सारा महिला जो है बोझा को वहीं पटक करके जो है अंदर में भाग गई, लेकिन 8 से 10 महिला लोग का पहचान मैंने हो पाएगा, जो कि मेरा वीडियो वगैरह लिया गया उससे पहचान करके कार्रवाई करेंगे।